80s की जो दिहाई है उसमें फिर तबाहियाँ शुरू हो गई, फिर नफ़रतें बढ़ गईं, फिर वो जो मोहब्बत का जो फार्मूला था या जो मोहब्बत का जो जो जज्बा था वो बिखर गया। में पाकिस्तान से बहुत पहले लियारी कराची की जो इब्तदाई आबादी यानी माहीगीरों का एक शहर था। एक तो आप इसका महले वकूफ देखें कि ये बिल्कुल कराची पोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में है, बंदरगाह के। दूसरी कराची का जो सारा ट्रेड है, इसको हम बॉर्डर मार्केट, जोड़िया बाजार, जहाँ पूरे कराची बल्कि पूरे मुल्क की कारोबार होता है, ये बिल्कुल नज़दीक है, लियारी के पास ही है। जब मुसलमान की सियासत शुरू हुई, मुस्लिम लीग की सियासत शुरू हुई, तो यहाँ रहने वाले सर अब्दुल्ला हारून, जो तहरीक पाकिस्तान के एक मुमताज़ रहनुमा, उन्होंने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से हज़ारों की तादाद में बलूच फैमिलियों को यहाँ बुला के कराची में आबाद किया। जब पाकिस्तान के क़याम की तहरीक चली तो उस तहरीक में ये लोग जो बुला के यहाँ आबाद किए गए थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और यहाँ पर एक मिक्स आबादी शुरू से रहती है, मतलब आपको लियारी के अंदर 30s या 40s के माइग्रेट हुए अफगान भी नज़र आएंगे आपको, आपको लियारी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मेवाली के लोग नज़र आएंगे, जलील नाजिम भी उनका था, आपको लियारी के अंदर बलोचों की तो बड़ी आबादी है वो नज़र आएंगे, आपको कच्ची नज़र आएंगे, आपको पश्तून नज़र आएंगे, आपको उर्दू स्पीकिंग के लोग नज़र आएंगे आगरा ताज या बिहार कॉलोनी के अंदर। मेरे ख्याल में लियारी ऐसी जगह है कराची में जो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक भी है और मजदूरों का एक एक टाउन है, नेबरहुड है। हमारे लियारी में एक ऐसा माहौल था कि यहाँ हर किस्म के लोग रहते थे, हर तबके के लोग रहते थे, हर कम्युनिटी के लोग रहते थे, हर मज़हब के लोग रहते थे। मसलन क्रिश्चियंस की यहाँ आबादी थी और हिंदुओं की आबादी थी, डाइवर्सिटी थी काफ़ी, एक दूसरे के जो है खुशी में या एक दूसरे के गम में शरीक होते थे। इसी लियारी से जो बलोचिस्तान, चूँकि आबादी बड़ी थी बलोचों की, अगर हम कहें इसको कि कराची जो है आउटसाइड द बलोचिस्तान, बलोचों की एक बड़ी अर्बन पॉपुलेशन है और उसकी जो मेन आबादी है वो कराची में लियारी में रहती है, तो यही एक इसी लियारी से बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या BSO बनी, जिसने फिर आगे दौर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स में, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में। इसी लियारी से मीर गौस मकबूज़ जो MNA बने, उस ज़माने में सीट बहुत लंबी होती थी, इसी लियारी के जलसों में, नैब के जलसों में अतोला मेंगल, खैर बशमरी और बजन जो साहब आते थे सारे। फिर हम देखते कि जब पीपल्स पार्टी भी बनी तो वो भी लियारी में बनी, ककरी ग्राउंड में फकरी भुट्टो ने, उसने चूँकि मिजाज समझ लिया था लियारी का तो, और उसने भी लियारी का इंतखाब किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने के लिए। तो उसका जो अपना पॉलिटिकल करंट था, जो उसका अपना पॉलिटिकल रोल है लियारी का, उसको भी सियासी जमातों ने नोटिस किया। देखिए, गबोल फैमिली कराची की सबसे पुरानी फैमिली, क्योंकि मेरे दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल 1926 में भी बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, 1936 में जब सिंध असेंबली बॉम्बे से अलग हुआ जब सिंध, तो जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का सिग्नेचर जो था वो मेरे दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल की सिग्नेचर आज भी वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जब वो 1936 में सिंध असेंबली के मेंबर बने, यहीं लियारी से सर अब्दुल्ला हारून को शिकस्त दिया, जो कि बहुत बड़ा एक नामवर शख्सियत थे कराची के। उसके बाद फिर ये चलता रहा सियासी तौर पर, फिर मेरे दादा मेयर कराची रहे 1954 में भी, 56 में दो दफ़ा मेयर कराची रहे, फिर मेरे चाचा अब्दुल सत्तार गबोल MNA लियारी 1970 में बने, फिर 71-72 में मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद 77 में दोबारा MNA बने, उसके बाद 88 में मैं MPA बना फर्स्ट टाइम, आई वॉज द यंगेस्ट MPA फ्रॉम लियारी, फिर 88 के बाद 93 में डेप्यूटी स्पीकर बना MPA बनने के बाद, और उसके बाद फिर मुसलसल तीन दफ़ा MNA
बनता रहा 2002 से। उस ज़माने में NSF एक बहुत मशहूर स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। महराज मोहम्मद खान साहब लीडर थे उसके, डॉक्टर रशीद हसन और बहुत से लोग। तो एक लिहाज से स्टूडेंट्स को एक तालीम का एक सिलसिला इनके साथ बैठ के काफ़ी हद तक शऊर जो फिक्र है, जदीद फिक्र है उसकी तरफ जो है। फिर ये कि NSF के जो लॉ मेडिकल कॉलेज है और भी कॉलेजेस हैं, यहाँ अमूमन नशस्तें होती थी। ये फिलासफर को बुलाते थे, उसमें फिर जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे। सोचने समझने के लिए जो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है मवाद फराहम हो जाता था। हमारे यहाँ जो माहौल था लियारी का, ये देखा उस ज़माने में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी यहाँ पे। उसकी एक वजह ये थी कि एक जमात थी, सियासी जमात नेशनल अवामी पार्टी, वो पूरे पाकिस्तान की जो है एक ऐसी जमात थी जो हमेशा आगे की बात करते थे, समाज को बदलने की बात करते थे, सिस्टम को बदलने की बात करते थे। उस पर पाबंदी अयूब खान ने नहीं लगाया, डिक्टेटर ने नहीं लगाया, उसमें उसकी हुकूमत ने नहीं लगाई, लेकिन बाद में जो जमहूरी हुकूमतें आई उसमें पाबंदी लगी। अच्छे काम भी यहाँ के लोगों ने, यानी लियारी से आपके ओलंपिक बॉक्सर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए मोहम्मद हुसैन, और लियारी में अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनका ताल्लुक लियारी से था। कराची के मेयर थे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, वो दो टर्म कराची के मेयर रहे, उनका ताल्लुक भी लियारी से था। अच्छा, इसके अलावा फुटबॉल के मैदान में लियारी में इंटरनेशनल जो है फुटबॉलर्स, यानी कौमी टीम में आप समझ लें कि 9 प्लेयर्स लियारी के होते थे, बाकी 2 प्लेयर आउटसाइड होते थे पूरे पाकिस्तान की टीम। बॉक्सिंग लियारी में है, उलमा आलिम सारे यानी बड़े सहाफ़ी, नादिर शाह आदिल जैसा सहाफ़ी, सिद्दीक़ बलोच जैसा सहाफ़ी। सिद्दीक़ बलोच जिसने बलूचिस्तान टाइम अखबार निकाला, आज़ादी अखबार निकाला उर्दू में, कोयटा से जो अखबार निकल रहे हैं आज़ादी, और सिद्दीक़ बलोच साहब ने निकाला, यानी बे इंतहा। नादिर शाह आदिल पहला जिसने फिल्म लिखी बलोची। इस सारी सूरत हाल को जब आप यकजा करते हैं तो लियारी बनता है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। मैं समझता हूँ जनरल ज़ियाउल्लाह साहब के आने के बाद इस मुल्क का नक्शा बदला। अफगान जो है वार जो यहाँ जो हमने लड़ी शायद मुजाहिद बनकर, वो किसकी लड़ाई थी, किसने लड़वाया हमें, कौन गया वहाँ पे, क्या हुआ, इस बारे में जो है हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे। क्योंकि ये कि हम ये सवाल कर ही नहीं सकते, आप हमारी पोजीशन इस तरह है कि हम सवाल कर ही नहीं सकते कि भाई उस वक्त क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, अगर फ़र्ज़ करें गलत हुआ तो क्यों फिर नहीं सुधारा गया, उसको उसकी रोकथाम क्यों नहीं किया गया, उसकी रुकावटें थी उसको हमने क्यों ख़त्म नहीं किया, हमारा नौजवान जो है भटक गया, हमारे नौजवान को जो है जो डायरेक्शन थी उस ज़माने में। देखें, मैंने जब पीसफुल माशरे की बात की थी तो उस वक्त हमारी एक डायरेक्शन थी, हम जा रहे थे आगे, जहाँ दुनिया जा रही थी हम दुनिया के साथ साथ आगे जा रहे थे। फिर नफ़रतें बढ़ गईं, फिर वो जो मोहब्बत का जो फार्मूला था या जो मोहब्बत का जो जज्बा था वो बिखर गया। फिर हमें सिखाया गया कि नफ़रत कैसे करें, एक दूसरे के तबके से नफ़रत कैसे करें, दूसरे मसलकों से नफरत। और मैं समझता हूँ बदकिस्मती से अब भी वो रुझान बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।